हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्को 91। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि आप मोबाइल से दीपावली का बैनर कैसे बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, बैनर बनाने के लिए आपको एक ऐप का जरूरत पड़ेगा जिसका नाम है दोस्तों पिक्सल लैब। दोस्तों, यह ऐप प्ले स्टोर पर एकदम आसानी से मिल जाएगा आपको। दोस्तों, प्ले स्टोर जाके डाउनलोड कर लेना इसे। दोस्तों, पहले से इंस्टॉल किए हैं, ठीक है। चलो दोस्तों, इसे ओपन करते हैं। दोस्तों, इस तरह से नया पेज ओपन होगा। दोस्तों, इस टैग से दोस्तों हमें रिमूव कर देना है। देखिए इसका दोस्तों आपको एक बैकग्राउंड का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ से प्लस पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी पर जाएंगे, पिक्सल। देखिए आप लोगों के लिए भाई हम पहले से बना के रखे, ठीक है। देखिए यह बैकग्राउंड हम पहले से बना के यहाँ पर रखे हुए हैं ताकि भाई आपका ज़्यादा टाइम यहाँ पे ना लगे। दोस्तों, इसे आप देखें, आपको यहाँ से खींच खींच में बड़ा कर लेना, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से इसे लॉक कर देना। देखिए इसमें भाई पहले बना लगे, ठीक है भाई। इसे बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, ठीक है, ताकि भाई आपका टाइम बचे, ठीक है, आपका ज़्यादा टाइम ना लगे। इसलिए दोस्तों हम पहले से इसे बना के रखे हुए हैं, ठीक है। आपको दोस्तों इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन दे देंगे, आप वहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए आपको यहाँ पे केवल अपना नाम लिखना है और आपको यहाँ पे अपना फ़ोटो लगाना है। देखिए फोटो लगाने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन लगा प्लस का, ठीक है। आपको प्लस पे क्लिक करना है, इसके बाद फॉर्म गैलरी पर जाएंगे। यहाँ से देखिए आपको जिस फोटो को लगाना है आपको दोस्तों उस फोटो को ले लेना है। यहाँ पे देखिए आपको एक PNG फोटो लेना है, ठीक है। PNG फोटो भाई कैसे बनाया जाता है अगर आपको पता नहीं हो तो भाई हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। और भाई डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो मिल जाएगा कि फोटो का बैकग्राउंड कैसे रिमूव किया जाता है। आप उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। आप उस वीडियो को देख के अगर आसानी से रिमूव कर सकते हैं। देखिए से आपको जितना फोटो लगाना है, ठीक है, आपको यहाँ से कट कर लेना, ठीक है। चलिए मान ली हमें इतना लगाना, ठीक है, यहीं से हम कट कर लेंगे, इसे भी कट कर लेंगे, ठीक है। इसे जितना आपको फोटो लगाना है आपको यहाँ से इसे सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। इसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। अब देखिए आपको इस फोटो को लगाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको ला के आपको देखिए आपको इस फोटो को ला के यहाँ पे केवल सेट कर देना है। इस फोटो का साइज थोड़ा दोस्तों इस फोटो का साइज थोड़ा बढ़ाएंगे, ठीक है। आपको दोस्तों अपने हिसाब से मैनेज कर लेना है, ठीक है। इसे देखिए फ्रेंड्स, फोटो हमारा काफी अच्छे तरह से सेट हो गया है। अपने इस फोटो का यहाँ पे देखिए इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस फोटो का हमें लॉक कर देना है, ठीक है। अब ये फोटो हिलेगा नहीं। देखिए फ्रेंड्स, अब केवल हमें नाम लिखना है, ठीक है। नाम लिखने के लिए आपको ए पे क्लिक करना है, ठीक है। इसके दोस्तों टेस्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर दोस्तों डबल टैप करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आपको अपना नाम लिख देना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ओके पे क्लिक करना है। देखिए हमारा नाम यहाँ पे सुन रहे, ठीक है। दोस्तों इसका हम कलर चेंज करेंगे, ठीक है। व्हाइट पे रेड काफ़ी अच्छा दिखता है, ठीक है। यहाँ से रेड ले लेंगे। अब देखिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है, ठीक है। अब इसका फॉन्ट भी चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे फॉन्ट का। आप मतलब आपको जो अच्छा लगे अपने साथ देखने से आप यहाँ पे सेट कर सकते, ठीक है। देखिए ऐसा सो होगा लेकिन ऐसा मैं अच्छा नहीं लगा, ठीक है। आप अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। इसे कैंसिल करेंगे। यहाँ पर देखिए फिर ऑप्शन लगा यहाँ पे स्टाइल, आपको इसे भी क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों बी पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ में काफ़ी अच्छा लगता है, सिंपल भी है और काफ़ी अच्छा भी है। दोस्तों अपने नाम को ला के यहाँ पे मैनेज कर लेना अपने हिसाब से। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा पोस्टर काफ़ी अच्छा से बन गया। इस तरह दोस्तों आप भी बना सकते हैं। उम्मीद करता दोस्तों वीडियो पसंद आया। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।